वालेरल कश्मीर ए फलस्तीन में गैर मुल्की कब्जे जा नतीजा वासेह है। सलामती काउंसिल की जिम्मेवारी है तो गसामी जंग बंद कराए। जटादारमन लाए वालेरल कश्मीर ए फलस्तीन जो मसलो हल कई वे। गडियल कौमन में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अक्रम जो खिताब। मुनीर अक्रम तकरार के हल लाए आलमी हिमायत की जरूरत जोर भर। घोड़की में रेलवे स्टेशन वेझो नाबालू हथियारबंदन की फायरिंग में बजड़ा कतल। ए सेक्शन थाने क्षेत्र में हथियारबंदन फायरिंग करे मोहम्मद इस्लाम बचल गबोल के कतल कर छो। लाश तालका अस्पताल मुंतकिल फाके जो कारण मालूम न थी सको। महंगाई की मारल अफाम लाए बिजली जो झटको। नेपरा कराची वारन लाए बिजली बिन महीनों के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपया 76 पैसा फी यूनिट महंगी कर छी। नेपरा तरफा जारी नोटिफिकेशन मौसम के इलेक्ट्रिक लाए मई ए जून के एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपया 76 पैसा फी यूनिट महंगी थी। नेपरा से नोटिफिकेशन मौसम के इलेक्ट्रिक वापीदार लाए मई के एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपया 59 पैसा फी यूनिट ए जून के एडजस्टमेंट मद में बिजली 3 रुपया 17 पैसा फी यूनिट महंगी कई पी। नोटिफिकेशन में चे पो तो मई की बाद अक्टूबर में ए जून की बाद नवंबर में वसूल कई वी। जनरल रिटायर्ड फेस अमीर जो ट्रायल कें भी सूरत में खुलल अदालत में नहीं दो, पर जैसे पीटीआई बानी जो फौजी ट्रायल थो तो वो बिल्कुल खुलल ट्रायल ही होंद। बचाव वाली बसीर पाशा आसिफ चो तो कौम के खबर पवन घुर्जे तो पीटीआई बानी जो नवमे में कड़ो किरदार हो। एक का वजीर आसम की कुर्सी खसी वही बो आर्मी चीफ न बणजी सको उबो ही सदन गजल मुफाद हो। ईरानी पढ़ी वजारत बस हादसे में जख्मी चार नाला जारी कर दिया। ईरान में बस हादसे में जख्मी थे में 20 मर्द 3 औरतों शामिल। ईरानी पढ़ी वजारत मौजूद जख्मी में सनम खानम कलसुम कनीसा जहरा शामिल हैं। उस्ताद गुल बाबर अली फयास अली गुलाम अब्बास खुर्शीद अली सऊद हुसैन हादसे में जख्मी थे। ईरान में हादसे जो शिकार थल बस में 52 मानू सवार हुआ। 11 सारीन खैरपुर 4 रुतुदेरो 6 कश्मोर कंदकोट 31 जड़न जो तालुक लाड़काने सा हो। सालार अदर शमसी मौसम एक सारीन के ईरान बॉर्डर ता भी बस खराब थे करे खें पो। एक ड्राइवर एक कंडक्टर शामिल हैं। सदर आसिफ अली सरदारी वफाकी गुरबसीर मौसम नकवी जो ईरान में सारीन सा पेश आयल हादसे से अफसोस इजहार। इसराइली फौज गजा शहर से वहशियाणी बमबारी जारी। गदल कौम के स्कूल से बमबारी 60 का वधिक फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज लिबनान के इलाके सदा में ड्रोन हमलों अलक्सा ब्रिगेड जो कमांडर शहीद।